तलाक की खबरों के बीच बीवी बच्चों के साथ शॉपिंग करते दिखे फरदीन खान तो लोग हुए हैरान। हाल ही में आई थी तलाक की खबरें, तो क्या कामयाब हुई तलाक रुकवाने की मम्मी मुमताज की कोशिशें? जी हाँ, इन तस्वीरों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि फरदीन खान और नताशा माधवानी का तलाक होते होते टल गया है। दोनों ने अपने रिश्ते को सेकंड चांस देने का फैसला किया है और शादी को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि बीते दिनों ही खबरें आई थी कि बॉलीवुड अभिनेता फरदीन खान की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि फरदीन और उनकी वाइफ नताशा माधवानी ने अपनी 18 साल पुरानी शादी तोड़ने का फैसला कर लिया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। भले ही फरदीन लंबे वक्त से सिल्वर स्क्रीन से दूर हो, लेकिन उनकी तलाक की खबरें सुनकर एक्टर का हर फैन दुखी हो गया था। लेकिन बीते दिन मीडिया के कैमरों में कैद हुआ वो नजारा, जिसे देखकर फैंस खुश हो गए हैं। फ्राइडे इवनिंग फरदीन खान मुंबई के सांता क्रूज में एक शू स्टोर पर स्पॉट हुए। हैरानी की बात तो ये रही कि इस दौरान फरदीन अकेले नहीं बल्कि अपनी बीवी नताशा माधवानी और दोनों बच्चों के साथ स्पॉट हुए। ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहने फरदीन हैंडसम लुक में दिखे, तो वहीं नताशा माधवानी व्हाइट कलर का शॉर्ट वन पीस पहने नजर आईं। दोनों के साथ उनके बच्चे भी थे, चारों बेहद हैप्पी मूड में दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फरदीन किस तरह से नताशा का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें कार में बैठा रहे हैं। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो इन्हें वायरल होने में भी देर नहीं लगी। इन तस्वीरों को देख साफ पता चल रहा है कि नताशा और फरदीन अभी भी साथ साथ हैं। इन तस्वीरों पर फैंस भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। एक फैन ने लिखा है, अच्छा हुआ तलाक नहीं लिया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि फरदीन और नताशा के तलाक की खबर महज अफवाह थी, इन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। बता दें कि बीते महीने ही ये खबरें आई थी कि फरदीन खान और नताशा माधवानी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों के बीच बच्चों की स्कूलिंग और लंदन में ही बसने को लेकर मनमुटाव चल रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि फरदीन अपने दोनों बच्चों को मुंबई में ही पढ़ाना चाहते हैं, जबकि नताशा चाहती है कि बच्चों की स्कूलिंग दुबई में हो, वो लंदन छोड़कर भी नहीं आना चाहती थी। कहा गया कि इन मतभेदों के चलते दोनों ने शादी के 18 साल बाद अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि इसकी भी खबरें आई थी कि नताशा की मॉम और वेटरन एक्ट्रेस मुमताज फरदीन की मॉम सुंदरी खान के साथ मिलकर इस शादी को टूटने से बचाने की कोशिशें कर रही हैं। और अब तलाक की इन्हीं खबरों के बीच फरदीन नताशा एक साथ मुंबई में स्पॉट हुए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।